हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई मोटिवेटेड। आज हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी की कुछ जो महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, आज 1 अक्टूबर है और इसी प्रकार से अब वीडियो हमारी रेगुलर देखने को मिलेंगी। सभी भर्तियों में की अपडेट होगी, एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस हिसाब से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ जो मटेरियल है, जो कुछ भी अपडेट है, जो वैकेंसी के बारे में, वो सब कुछ मिल जाएगी। तो आज हम ये पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अक्टूबर है इस वजह से। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले फॉरेस्ट गार्ड को लेकर, जो बच्चे सभी पर हम बात करेंगे, बीपीओ वगैरह जितनी भी भर्ती हैं सभी पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को आप आसानी से सुनते रहो। तो सबसे पहले जो हमारी बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल अपडेट को लेकर, काफ़ी पुरानी भर्ती हो चुकी है, 655 पद थे। इसका जो फिजिकल है लगभग 3200 प्लस बच्चे उन्होंने पास किया है। और इसकी मेडिकल को लेकर जो अपडेट मिल रही है कि आपका मेडिकल है वो अक्टूबर के लास्ट तक कराने की पूरी उम्मीद है। और अगर अक्टूबर के लास्ट तक चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो आप मान के चलो कि नवंबर के फर्स्ट वीक से आपका मेडिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी एक जो महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब हम बात करने वाले हैं बंदरोगा की रनिंग डेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है, फिजिकल के लिए यानी कि जो कब तक इसका फिजिकल स्टार्ट होगा, बच्चों को हालांकि बहुत ही कम बच्चों को बुलाया गया है, मगर हालांकि ये है कि अब ज़्यादा कट ऑफ नहीं बनने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकल वगैरह में फेल होंगे, क्योंकि 25 किलोमीटर कोई मतलब आसान काम नहीं होता। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ठीक है, जो बच्चा लगातार अपनी रनिंग वगैरह करता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी उम्मीद रहेगी, कट ऑफ से लगभग 1 से 2 नंबर ज़्यादा है तो पूरी उम्मीद रहेगी। अब इसकी रनिंग कब तक होगी, फिजिकल कब तक होगा, तो आपको बता दूं, आपका फिजिकल आप नवंबर या दिसंबर महीने मानकर चल सकते हो, ठीक है। आप नवंबर से भी स्टार्ट हो सकते हैं आपके फिजिकल, क्योंकि इस भर्ती को भी कहीं ना कहीं जल्दी से कंप्लीट कराया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं वीडियो री एग्जाम को लेकर, जो इसकी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, कट ऑफ वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, रिवाइज आंसर की को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, मगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आंसर किया है उसके बाद जब बच्चों ने प्रश्न को चैलेंज किया है तो उसके कहीं ना कहीं जवाब आएंगे, उसी के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी रिवाइज आंसर की है लगभग 5 अक्टूबर से पहले जारी कर दी जाएगी, ठीक है। मेरे द्वारा जो अपडेट बताई जा रही है का सत्य होने वाली है, आने वाले समय में देखना। और मैं आपको बता दूं, इसका जो डीवी के रिजल्ट को लेकर बच्चे परेशान है कि रिवाइज आंसर की नहीं आएगी, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, मगर ऐसा नहीं होने वाला है। जो इसका रिजल्ट है वो नवंबर महीने में देखने को मिलेगा। और मैं कट ऑफ वगैरह में लगभग आपको बता दूं, जो आपकी जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, अगर उससे थोड़े बहुत लगभग 1 से 2 3 से 4 मतलब 1 से 2 नंबर कम भर रहे हैं तो फिर उम्मीद रखो। अगर आप सोच रहे हो कि 200 के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, जनरल में नहीं होने वाला है, 200 प्लस वाले जितनी अभ्यर्थी पूरी तरीके से उम्मीद रखो। और जो फुल मार्क्स को लेकर बच्चे बात कर रहे हैं तो लगभग 2 या 3 पर फुल मार्क्स मिल सकता है, और डीवी में जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो सवा गुना जिस प्रकार से लेखपाल के अंदर बुलाया गया, ठीक है। तो ये वीडियो री एग्जाम के बारे में हो गया। अब हम बात करने वाले जूनियर असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं 1262, तो वो टाइपिंग को लेकर उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर 60 से प्लस नंबर आपके भर रहे हैं तो आप इसकी टाइपिंग करते रहो, आपको टाइपिंग देने का मौका मिलेगा। अब हम बात करने वाले मुख्य सेविका की आंसर की को लेकर, तो मुख्य सेविका की आंसर की और जो वीडियो री एग्जाम की जो रिवाइज आंसर की के बीच मतलब जो चीज़ चल रही है, तो सबसे पहले वीडियो री एग्जाम की जो रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद मुख्य सेविका की जारी होगी। तो जहां तक उम्मीद है इसकी भी मतलब इसी वीक आ जाएगी, अन्यथा इसी वीक नहीं आ पाती है तो फिर अगले वीक की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की आएगी। जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पद है उसमें पैट की कट ऑफ को लेकर बच्चे परेशान है कि इसकी पैट की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं लगभग 55 से 57 के बीच में अगर आपके नंबर भर रहे हैं, ठीक है, आप मान चल सकते हो आपको बैठने का मौका मिलेगा। आपने देखा होगा बीपीओ में किस प्रकार की कट ऑफ गई, तो लगभग 55 से प्लस नंबर जितने अभ्यर्थी जिनके 55 प्लस, अब 50 पर भी हालांकि कुछ कैटेगरी में हो सकता है, मगर जहां तक जाती बात है कि सभी की सेम कट ऑफ जाती है, लगभग 55 से प्लस वाले जितने अभ्यर्थी हैं वो पूरी उम्मीद रखें कि आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। और एक तरीका से कंपटीशन भी कब है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहो। एएसओ के फाइनल के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपका रिजल्ट इसी महीने के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा जितने भी अभ्यर्थी एएसओ वाले हैं। लेखपाल भर्ती की हम बारे में बात करते हैं, देखो आपकी डीवी अभी चल रही है और जहां तक उम्मीद है कि प्रतिदिन 100 से 120 के करीब डीवी स्किप हो रही है। और आपको दादू जो 80 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं, लगभग 1000 से प्लस लगभग आप जो डीवी बच्चे स्किप कर चुके हैं, तो लेखपाल का जो फाइनल रिजल्ट को लेकर बच्चे परेशान है, देखो उम्मीद है कि दिसंबर में ही जारी कर दिया जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लेखपाल की भर्ती एक बहुत ही अहम है। तो उम्मीद करते हैं कि लेखपाल की भर्ती को जल्द से जल्द पूरी किया जाएगा, जितनी भी अभी भर्तियां चल रही हैं उनमें सबसे पहले, क्योंकि पैर 2021 से एक बड़ी भर्ती रुकी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जो वैकेंसी जैसे कि बीपीओ हो गया, कंबाइंड टेक्निकल वाले जितने भी बच्चे हैं, तो बीपीओ की आपको बता दूं इसका एग्जाम है वो नवंबर या दिसंबर में कराया जाएगा। तो कंबाइंड टेक्निकल में अभी जो रिजल्ट को लेकर बच्चे परेशान है, तो अभी इसके बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है, अभी इसमें समय लग सकता है बस, ठीक है। जितनी भी भर्तियां थी मैंने सभी की अपडेट दे दी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसी प्रकार से आपको अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बस यही बताना था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।